India is Indira. कंगना रनौत के साथ कंट्रोवर्सी होती नहीं है, कंगना रनौत खुद कंट्रोवर्सी के पास टिकटॉक टिकटॉक करके चलती हुई जाती है और कहती है चलो अब मुझे हो जाओ, बिल्कुल कोरोना की तरह। तू आ गया क्या? मतलब ये बंदी कंट्रोवर्सी में ना फंसे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब एक बात तुम बताओ, किसी की मूवी एक बार लटक सकती है, दो बार लटक सकती है, तीन बार लटक सकती है? भैया किसी की मूवी बार बार लटक रही हो तो वो क्या करे, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? कौन है? क्यों है? Only on कंगना रनौत। कंगना रनौत के इमरजेंसी पर एक बार फिर से तलवार लटक गए। भैया क्या हुआ है? बहुत बड़ा बवाल मचा दिया है कंगना दीदी ने। कैसे हुआ? अब मूवी रिलीज होगी कि नहीं होगी? जानना चाहते हो ना तुम भी? चलो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जैट गर्ल। देखो यार, मैं नहीं कहती कि कंगना दीदी अच्छा नहीं बोलती हैं, ठीक ठाक बोल लेती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता भैया कहाँ क्या बोलना है। इस बार अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं पूरा का पूरा बम ही गिरा लिया है यार। कैसे कर लेती हो कंगना दीदी, ये टैलेंट मेरे अंदर क्यों नहीं है? अब भाई कंगना की बात हो, उसमें ड्रामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई बात ऐसी है कि कंगना की इस फिल्म पर आपत्ति जताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक घटना को गलत तरीके से पेश कर रही है, सिख शहीदों के प्रति अपमानजनक है तथा पंजाबी समुदाय में अशांति पैदा कर सकती है। मूवी को पंजाब में तो बिल्कुल रिलीज करना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, ये सब हो जाने के बाद कंगना दीदी को छोटी मोटी दम नहीं मिल रही है भैया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंगना दीदी का सर ही काट देंगे। एक साइड तो इस कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है और दूसरी साइड इस वाली, वो पंजाब वाली कंट्रोवर्सी जिसमें किसानों को लेकर कंगना दीदी ने कुछ कहा था। कंगना दीदी सिर्फ एक तरफ से नहीं फंसी है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है। अब दीदी जाए तो जाए कहां? देखो यार, मैं मानती हूँ जब इस तरीके की मूवीज आती है तो उनको लेकर कंट्रोवर्सी तो होती है। आर्टिकल 370, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बस्तर स्टोरी, ऐसी मूवीज जिनमें हमारे इंडिया की कुछ चीजों के बारे में दिखाया जाता है। इनफैक्ट हिस्टोरिकल जब मूवीज आती हैं, पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, जब ये इस टाइप की हिस्टोरिकल मूवीज भी आती हैं तो भाई कॉन्ट्रोवर्सी होती है। और यहाँ पर तो हिस्ट्री के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है, तो इस मूवी पर कंट्रोवर्सी तो होनी थी, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी बड़ी ये मैंने नहीं सोचा था। सरकार को चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके। वैसे कंगना दीदी का कहना है कि भाई उन्होंने बहुत तगड़ी रिसर्च करके इस मूवी को बनाया है। अब आप सोचो, जिसको ट्विटर पर रिसर्च के नाम पर गॉसिप और लड़ने का शौक हो, वो भला फिल्म में कितनी ही रिसर्च करेंगी। देखो यार, कंट्रोवर्सी तो हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कंगना दीदी ने ये मूवी बनाई इसीलिए, खुद को इतिहास के पन्नों में अमर कराना चाहती है, शायद इसीलिए उन्होंने ये मूवी बनाई है। ये मूवी रिलीज होगी या नहीं है तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है भाई, बॉलीवुड में खुद को सच्चाई की देवी साबित करने में लगी हुई है। माफिया से लड़ रही है, नेपोटिज्म से लड़ रही है और अब भाई ये इतिहास से भी लड़ रही है। देखो भाई, मुझे नहीं पता कि मूवी में क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं, कितनी ज्यादा बातें सच हैं और कितनी ज्यादा प्रोपोगेंडा सेट करती है, तो मूवी आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी मूवी पर कोई अपडेट नहीं है कि भाई ये मूवी कब रिलीज होगी। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं सत्ता के लिए लड़ता है। क्योंकि भाई मूवी पोस्टपोन हो गई है, नहीं इस पर कोई खास अपडेट नहीं मिला है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कंगना रनौत ये भी कहती है अपने एक इंटरव्यू में कि उनका सपना था इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करना, उन्हें बहुत अच्छी लगती है इंदिरा गांधी, जरा तुम भी देख लो एक बार। और जो हमारी प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी, लोकप्रिय थी, उनके बारे में जाने, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये सारी चीजें देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मुझे सलमान खान पसंद है, क्या मुझे सलमान खान पे मूवी बना लेनी चाहिए? और ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है ना, इसको देखकर इंदिरा गांधी जी भी सोच रही होंगी स्वर्ग में बैठकर, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे भैया कि जो ये मेरा कैरेक्टर प्ले कर रही है। अब जरा सोचिए, एक्ट्रेस जो खुद को समझती है प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर और अब इतिहासकार भी समझने लग गई है, भाई वो कंट्रोवर्सी तो अपने साथ भर भर कर लाएगी। बाकी देखते हैं कि मूवी रिलीज होती है नहीं। तुम्हारा क्या कहना है, तुम इस मूवी को देखना चाहते हो या नहीं, ये भी बताना जरूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।